वेलकम टू हेल्पलाइन। आज है 28 फरवरी 2020 और 28 फरवरी 2020 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें एवं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, G20 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह G20 की बैठक सऊदी अरब में आयोजित की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह बैठक सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में आयोजित की गई। एंड G20 की स्थापना 1999 में हुई है। कब हुई है? 1999 में हुई है। एंड यह G20 20 देशों का एक समूह है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 5G स्मार्टफोन किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला 5G स्मार्टफोन रियलमी कंपनी ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें रियलमी X15 प्रो नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रियलमी X15 प्रो। एंड इसे भारत के साथ स्पेन में भी लॉन्च किया गया है। एंड इसकी स्पीड 4G से 100 गुना तेज होगी। कितनी? 4G से 100 गुना तेज होगी इसकी स्पीड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में EASE 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा EASE 3.0 लॉन्च किया गया है। तो अब EASE इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इनहैंस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? इन्हांस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंट हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। एंड इसे 26 फरवरी को लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? 26 फरवरी को इसे लॉन्च किया गया है। एंड इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को सक्षम और स्मार्ट बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई है? तो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि 26 फरवरी को मनाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वीर सावरकर यह 1937 एंड 1943 के बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। एंड इनके सम्मान में अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। एंड एक पुस्तक के द्वारा इन्हें लिखी गई है, यानी कि एक पुस्तक फेमस है जो इनके द्वारा लिखी गई है, जोसेफ मेजिनी जीवन कथा व राजनीति। क्या नाम है उस पुस्तक का? जोसेफ मेजिनी जीवन कथा व राजनीति है उस पुस्तक का नाम। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ इंद्रधनुष अभ्यास किया है? तो भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की वायुसेना के साथ इंद्रधनुष अभ्यास किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह अभ्यास 24 फरवरी को किया गया है। कब किया गया है? 24 फरवरी को किया गया है ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के साथ। एंड इसका आयोजन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के में किया गया है। कहाँ किया गया है? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में किया गया है। एंड ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। एंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जावेद अशरफ को किस देश के भारतीय राजदूत के रूप में चुना गया है? तो जावेद अशरफ को फ्रांस के भारतीय राजदूत के रूप में चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड फ्रांस
फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी पेरिस, एंड फ्रांस की करेंसी है यूरो, एंड प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, एंड प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिपे। कौन? एडवर्ड फिलिपे हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह विश्व भर में अभिनव उत्कर्ष और क्रांतिकारी आवासों की विचार की पहचान स्वरूप प्रदान किए जाने के लिए मिशन चलाया गया है, एंड इसमें यह अवार्ड उड़ीसा सरकार के द्वारा जीता गया है। एंड उड़ीसा सरकार के द्वारा इस मिशन की शुरुआत 7 मई 2018 को की गई, 7 मई 2018 को इस मिशन की शुरुआत की गई। एंड अब ऑप्शन में है उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो उड़ीसा की कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर, एंड उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, एंड उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात और किस देश के मध्य आयरन यूनियन 12 नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात और अमेरिका के मध्य आयरन यूनियन 12 नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने के लिए निपुणता विकसित करना है। एंड अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, एंड प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है? तो अभी पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर बोगनेविले नामक एक नया शहर बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोगनेविले। इसे बनाने में 1,81,000 लोगों ने अलग से देश बनाने के लिए वोट डाले हैं, एंड 1,81,000 यह मत यहाँ की जनसंख्या का 98% है। कितना? 98% लोगों ने यह अलग देश बनाने के लिए वोट डाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइम मैगजीन ने 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन ने 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है ग्रेटा थनबर्ग को। किसे चुना है? ग्रेटा थनबर्ग को चुना है पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटा थनबर्ग। इन्होंने सबसे कम उम्र में यह सम्मान हासिल किया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। GISAT फर्स्ट उपग्रह किस दिन लॉन्च किया जाएगा? इस क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, एंड इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा आज का यह सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।